वेलकम बैक क्लास 11C। चिल्ड्रन, जब हम लोग ने ये फ्लो ऑफ लिक्विड स्टार्ट किया था, यानी ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो बर्नौलीज़ थ्योरम या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से पहले मैंने इस आइडियल लिक्विड बताया था। और आइडियल लिक्विड, उस लिक्विड को हम लोग कहते थे जो स्ट्रीम लाइन फ्लो करता था। तो दो तरह के फ्लो बताए थे, एक स्ट्रीम लाइन फ्लो जिसमें हमने बताया था कि लिक्विड के अगर सारे पार्टिकल्स अपने आगे वाले पार्टिकल्स के पाथ को ही फॉलो करेंगे तो जो लिक्विड का फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। लेकिन अगर लिक्विड के पार्टिकल्स जिगजैग मोशन करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे, तो उस लिक्विड के फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। अच्छा, अगर वाटर किसी ओपन जगह पे फ्लो कर रहा हो तो हमें प्रॉब्लम नहीं है पहचानने में कि लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइन है या टर्बुलेंट है। लेकिन अगर हमारे घर में जो पाइपलाइन के थ्रू वो ट्रांसपेरेंट तो होते नहीं है पाइप, अगर आयरन पाइप के अंदर से या प्लास्टिक के पाइप के अंदर से या पीवीसी वाले पाइप के अंदर से अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उस लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइंड है या टर्बुलेंट है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, तो इसके बारे में, इसको अगर हमें पता करना है तो हमें एक टर्म मालूम होना चाहिए है, वो है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? देखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी फ्लूइड की वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जब तक लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइन होता है। अगर लिक्विड की वेलोसिटी उस मैक्सिमम लिमिट तक होगी तब तो लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइन होगा, और जैसे ही वो उस मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करेगी लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड, देन वी से दैट क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच इट्स फ्लो रिमेन्स स्ट्रीम लाइन एंड बियॉन्ड विच इट्स फ्लो बिकम टर्बुलेंट इज कॉल्ड इस क्रिटिकल वेलोसिटी। जो मैंने बोला है इसी को मैं लिख रहा हूँ, वीडियो पॉज कर रहा हूँ। यस चिल्ड्रन, तो क्रिटिकल वेलोसिटी हम लोग ने देख लिया था क्या होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी फ्लूइड की वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिससे कम वेलोसिटी होने पर लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइंड होता है, और जिससे ज़्यादा वेलोसिटी हो जाए तो लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है, उसको हम लोग इस क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, वी सी क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वल है या उससे लेस है तो जो लिक्विड का फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड यानी लिक्विड की वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में लिक्विड का फ्लो जो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। चिल्ड्रन, अब क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट हेडिंग जो हमें देखना है वो है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड के पेन तो आपने सुने होंगे लेकिन रेनॉल्ड्स नंबर नहीं सुना होगा। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? देखिए, एक्सपेरिमेंटली हर एक लिक्विड के लिए, हर एक फ्लोइंग लिक्विड के लिए एक ऐसा नंबर डिसाइड कर दिया गया है जिससे ये हमें पता चलता है कि लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइन है या टर्बुलेंट है। इसको एक साइंटिस्ट थे रेनॉल्ड, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो रेनॉल्ड नंबर क्या है? इट इज़ ए प्योर नंबर, इट इज़ ए प्योर नंबर विच टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड, टेल्स अबाउट द नेचर। नेचर मीन्स स्ट्रीम लाइन फ्लो है, टर्बुलेंट है, कैसा फ्लो है। इट इज़ ए प्योर नंबर, इट इज़ ए प्योर नंबर विच टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड। और जो रेनॉल्ड्स नंबर है चिल्ड्रन, वो दो तीन फैक्टर, चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो चारों फैक्टर्स हमने इस फॉर्मूले में लिख रखे हैं। एक है रो डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, अगर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड की डेंसिटी। वी जो है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड। डी जो है वो डायमीटर ऑफ ए ट्यूब है, डायमीटर ऑफ ए ट्यूब, जिस ट्यूब में से लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर। और ईटा कहलाता है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी।
इन चार फैक्टर्स पे रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड करता है। रेनॉल्ड्स नंबर चिल्ड्रन समझ में आ गया होगा ये क्या होता है, ये एक प्योर नंबर है जिसके बेसिस पे हम ये बता पाते हैं कि किसी लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइंड है या उसका फ्लो टर्बुलेंट है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो डिसाइड करना हो तो वो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर डिसाइड करते हैं। अगर कभी भी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम है, कोई क्वेश्चन है और जिसमें हमें रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू दे रखी है, तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम है बच्चों, तो उस केस में जो लिक्विड का फ्लो जो होगा, फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइंड। उस केस में लिक्विड का फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइंड होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 3000 हो तो उसका फ्लो जो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, लेकिन अगर सपोज़ कीजिए ना 2000 से कम है ना 3000 से ज़्यादा है, बल्कि इसके बीच में बिटवीन 2000 एंड 3000 है, तो उसकी जो अनस्टेबल होगा, यानी कभी अनस्टेबल मीन्स कभी उसका फ्लो स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट उसका फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है ना, वेरिएबल फ्लो होगा, यानी समटाइम्स एज ए स्ट्रीमलाइन एंड समटाइम्स एज ए टर्बुलेंट। ठीक है, इस वाले जो फॉर्मूले में जो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है, इसमें जो ईटा है इसको कहते हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, उसको पढ़ने के लिए हमें एक नया टर्म जानना होगा, वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, जैसे सॉलिड सरफेस में अगर दो सॉलिड सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो, तो उन दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में एक अपोजिंग फोर्स लगता है जिसकी टेंडेंसी होती है बॉडी के मोशन को अपोज करना। वैसे ही लिक्विड की दो लेयर्स के बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगता है। ठीक है, उस फोर्स को तो हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। और लिक्विड में जो ये अपोजिंग फोर्स लगाने की जो टेंडेंसी होती है वो विस्कोसिटी कहलाती है। तो विस्कोसिटी क्या हो गई, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू डिफरेंट लेयर्स। यानी लिक्विड की टू डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो अपोज एक दूसरे के मोशन को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, व्हाट इज विस्कोसिटी, इट इज़ ए प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड The property of fluid by virtue of which it opposes the relative motion between when two different layers layers is called viscosity। और इसके बारे में डिटेल में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो विस्कोसिटी होता है इसी को हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन भी बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोला जाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन यानी फ्लूइड में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो, या इसको हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन भी बोल देते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है,